इधर से वो टीला भी दिख रही तो हमें बताने वाले हैं हम लोग और घर घर कोई भी नहीं है सो देख के घर को कुफल है। ऑलरेडी 2 से 3 हफ्ते हो गया था नोटिस का टाइम जाके बलाला साहब का लेटर दिया मैं। बलाला साहब का लेटर देने के बाद होम मिनिस्टर साहब के फ़ोन कराने के बाद हर वो चीज़ करने के बाद भी हमारा कॉरपोरेटर जिद्दम जिद्दी पे आके कॉरपोरेटर को हमारे वाली साहब है उनके टाके है देखो उनके सितम उनके संगत इतना सितम के पहले भी जान लेने देखे इनकी कैसा कि वैसा बच के निकले उन्होंने लेकिन अब हमारे साथ ऐसा करने देख रहे हैं। घर बर्बाद कर दिया हमारा बाथरूम नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे रहने के लिए ऐसा सहारा भी छीन लिए लोग हमारे से। ये मेरी बच्ची है कल इसकी तबीयत खराब है देखने आते कि घर का हंगामा कर दिए सब वैसा बदला लेने देगी कैसा कि बच गए फिर अब मेरे बच्चे हमारे साथ बहुत सुलूक कर रहे केसीआर सर कुछ तुम मदद करना हमारे को अगर तुम मदद नहीं करे हमारे को कुछ सहारा नहीं है आपके सहारे पे भरोसे में बैठे हुए हैं सर आप मदद नहीं करें हम मौत को चले जाते हैं मेरे बच्चों को कुछ भी डाल देती हूँ मैं भी कुछ भी डाल लेती हूँ मेरे को कोई सहारा नहीं आपके सहारे पे बैठी हूँ सर आप मेरे को सहारा करना मैं बीमार हूँ मेरे को शुगर है शुगर बड़े भाई साहब मेरे को 3 औरत बच्चियाँ हैं अब हमारा पैगाना नहीं है मेरे को मैं कहाँ जाऊँ हमारा कुछ भी है कि इंसाफ करो सर आप पीछे सर आप सर हम कौन नहीं है आपके सिवा कौन नहीं है आप पीछे करो आप पीछे इंसाफ करो। वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद इमरान है मैं हयात नगर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा मकान है वहाँ पर हमारे दादा वहाँ के मुतवली थे हमारे वालिद साहब भी वहाँ पे ही है और हमारे दादा वालिद साहब लोग आपसे नहीं कई ज़माने से वहीं पे है वहीं के है वो लोग तो हमारे जो मकान हम लोग बाथरूम जो बनाए उसके लिए ऑब्जेक्शन हमारे खानदान के लोग कॉरपोरेटर मिलके करके ऑब्जेक्शन करके उसके लिए नोटिस लगाए थे एक नोटिस का जवाब रिप्ले दिए उसका नोटिस का जवाब रिप्ले देने के बावजूद भी वो लोग फिर और MLA मलकपेट के बलाला साहब का एक नोटिस भी लेके जाके बल्दिया वालों को दिए और होम मिनिस्टर साहब के पास से भी फ़ोन करा के बात कराए तो कॉरपोरेटर साहब अच्छी बात है ठीक है मैं बात करता हूँ बोलने के बावजूद हम लोग नहीं रहने की सूरत में भांजी की मिजाज खराब थी हम लोग वहाँ भांजी के पास गए हुए थे नहीं रहने की सूरत में आके हमारा बाथरूम वगैरह तोड़ दिया पूरा और मेरे को अभी 2 बहन है मेरे को शादी के लिए अब हमारे बाथरूम तोड़ दिया हमारे को घर से बेघर करना चाह रहे तो हम लोग कहाँ जाना क्या करना हम लोग को सुसाइड के सिवा किसी और कोई और हम लोग को नहीं नज़र आ रहा आप लोग खाली हमारे साथ इंसाफ करिए बस। ये आपके जो कॉरपोरेटर है उनका नाम क्या है? कॉरपोरेटर का नाम सामा तिरुमल रेड्डी है TRS के कॉरपोरेटर है उन्होंने हाँ। और 2 लाख रुपए मांगे उन्होंने कॉरपोरेटर साहब हम लोग नहीं देने की सूरत में हम लोग नहीं रहने की सूरत में ये हालत कर दी उन्होंने। कब मांगे पैसे आपसे उन्होंने? मांगे भी 1-2 हफ्ते के ऊपर हो गया उन्होंने। अब ये बना के कितने दिन हो रहा? ये बना लेके मैं 2 महीने के ऊपर हो गया मैं ऑलरेडी बना लेके करके। तो कब तोड़े उन्होंने आके? कल आके तोड़ दिए थे हम लोग नहीं रहने की सूरत में घर को कुफल था कोई पुलिस को लेके आए कोई बल्दिया वालों को लेके आके करके थोड़ा बहुत कुछ वीडियो वीडियो निकाले गए थे और कुफल तोड़ दिए बाजू का दरवाज़ा तोड़ के करके सामान पूरा निकाल के बाजू फेंक दे के तोड़ दे के चले गए वैसे ही अंदर बर्तनों के स्टैंड वगैरह हर वो चीज़ वैसे ही रख के तोड़ दिए उसके अंदर पूरा सामान रख के। अच्छा तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? बस मेरे साथ इंसाफ ही होना चाह रहा हूँ मैं बस मैं भी हूँ और हमारे वालिद साहब भी हकदारी से हमारे वहाँ के दादा वहाँ के मुतवली है गजिट भी है सब चीज़ें हमारे पास। अच्छा तो अभी मैं सिर्फ KCR साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे को इंसाफ दिलाए KCR साहब हम लोग पूरा रोड पे आ जा रहे हैं मेरे को और 2 बहना है मेरे को एक भाई है मेरा वालिद साहब के पेट पे 30 टाके है और हम लोग क्या है बहुत मजबूरी हालत में है KCR साहब अब इंसाफ दिलाओ नहीं बोले तो हम लोग सुसाइड करने के मोमेंट पे है बस हमारे को सहारा किसी और का नहीं है।